दुर्ग के ब्रह्म कुमारी राज ऋषि भवन में 3 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर कक्षा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षक जगत से आए अतिथियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय राज ऋषि भवन केलाबाड़ी दुर्ग में 3 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर कक्षा 7वीं से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए लगाया गया। इस मौके पर आरएल ठाकुर, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग, डॉक्टर कृष्णा अग्रवाल, प्राचार्य आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला ब्रह्म कुमारी चैतन्य प्रभा बहन व शिविर में आए हुए बच्चों के साथ अनेक पालकगण शामिल हुए। इस दौरान शिविर के शुभारंभ में अतिथियों, बच्चों व सभी पालकों का स्वागत करते हुए ब्रह्म कुमारी चैतन्य प्रभा बहन ने कहा कि यह सभा ऐसे लग रही है जैसे बगीचे में फूलों की फुलवारी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता के लिए शिक्षा के साथ साथ और कई चीजें आवश्यक है। सफलता के लिए शिक्षा के साथ मन की शक्ति भी होनी चाहिए। मन यदि खुश ना हो तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। जो शिविर है विपरीत परिस्थितियों में हम अच्छा कैसे सोचे उसके प्रशिक्षण के लिए लगाया गया है। वही दुर्ग शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक आरएल ठाकुर ने बच्चों के सम्मुख अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 3 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर के आयोजक ब्रह्म कुमारी बहनों, अतिथियों व पालक गणों का बच्चों का स्वागत है। एजुकेशन अर्थात शिक्षा क्या है? क्या पढ़ना लिखना ही शिक्षा है? आज बड़ी बड़ी डिग्री ले लेते हैं तो सोचते हैं कि हम उच्च शिक्षित हैं, किंतु शिक्षित बनना ये बहुत बड़ी चुनौती है। शिविर में आने के बाद पता चला, जब ब्रह्म कुमारी चैतन्य बहन ने बताया तो समझ आया कि हम सिर्फ डिग्रीधारी हैं, हम शिक्षित नहीं हैं। पढ़ाई के साथ साथ, स्टडी के साथ साथ हमें अपने जीवन में बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन उसके साथ बच्चे को क्या एक चीज सिखाया जाता है कि हर परिस्थिति में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो जाए, कोई फ्रेंड्स ने हमें कुछ बोल दिया, किसी ने हमें नीचा दिखाया, या हम फेल हो गए, या हमें कम मार्क्स आया, ऐसे टाइम पर मेरी सोच कैसी होनी चाहिए कि मुझे दुख ना हो, मेरा दिल ना टूटे, ऐसे टाइम पर मेरी सोच कैसी। तो अपने को पूरा समय का उपयोग कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें आपको सिखाई जाएंगी वो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को निखारेंगी। और जब हम कोई चीज सीखते हैं, अच्छी चीजें सीखते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और किसी भी काम को करने के लिए हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होना जरूरी है। लगता है ना सर, जब कोई काम को हम विश्वास के साथ करते हैं, लगता है ये हम कर सकते हैं, तो आप उस काम को करने के लिए जल्दी आगे बढ़ते हैं। और जब कोई चीज नहीं कर पाते तो लगता है नहीं कर पाएंगे। तो जो 3 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर, हम बोलते हैं कि सर क्या है, शिक्षा है। शिक्षा क्या है? पढ़ना लिखना है। बड़ी बड़ी डिग्री ले लेते हैं तो हम बोलते हैं हम एजुकेटेड हैं, हम शिक्षित हैं। एजुकेटेड बनना कितना चुनौती है उसको देखने से लगता है कि हम एजुकेटेड नहीं है, हम केवल डिग्री होल्डर बने हुए हैं, डिग्री हम रखते हैं। टाइम इज मनी या समय ही धन है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।